सब लोगों को हमारी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सो फाइनली मैं तैयार हो रही हूँ, अभी सिंदूर लगा रही हूँ, बैंगल्स मैंने पहन लिया ये देखिए। और ये शादी के बाद मेरी फर्स्ट दिवाली है, तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। ये देखिए ये मेरी है प्यारी सी दादी माँ। दादी माँ हेलो बोलिए सबको। हंसती रहती है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी दादी माँ और मुझसे बहुत प्यार करती है मैं भी। तो इस बार मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ और खास करके दादी माँ के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फाइनली ना आज बहुत तैयार होने को मिल रहा है, नॉर्मली तो इतना ज़्यादा तैयार नहीं हो पाते हैं, बट हाँ अगर फेस्टिवल होता है और स्पेशली दिवाली वगैरह तब तो बनता है ना इतना तैयार होना। और स्पेशली क्यों ना बने, क्योंकि ये शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है, तो मैं तो खूब सारा तैयार हो रही हूँ और खूब सारे बम पटाखे भी जलाऊंगी। आपने मुझे ऐसे फर्स्ट टाइम देखा होगा कि ऐसे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तैयार होते हुए। नहीं, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ, बट आज मेरे ना माइंड में ऐसा आया, मतलब मैंने ऐसे डिसाइड नहीं किया था कि मतलब मैं ब्लॉग बनाऊँ, माइंड में आया सडनली कि क्यों ना दिवाली है तो एक छोटा सा ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो फाइनली आप देख सकते हो, आप बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल लग रहा है बेबी डॉल। मेरे पति को मैं बेबी डॉल लगती हूँ हमेशा। और बैगल इतने बैगल्स कभी देखे नहीं होंगे आपने। और मेरी दोस्ती हूँ रेगुलरली, मतलब नॉर्मली लाइक अगर मैं कहीं जाती हूँ, ऐसे जाती तो मैं देना ही रहती हूँ, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती। लाइक होता है ना कि लोग कई बार डेली ब्लॉग भी बना लेते हैं, बट क्या होता है कि मैं सोचती रहना बनाऊँगी ब्लॉग बनाऊँगी, बट आज मेरा मन था कि चलो दिवाली तो यादगार होनी चाहिए ना, तो लाइक आप सबके साथ भी मैं अपनी पहली दिवाली शेयर करूँगी, पहली दिवाली शादी के बाद कैसी रहती है। और आई होप आप सब लोगों की भी दिवाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, आप सब हेल्दी रहो, खुश रहो, मैं ये प्रे करती हूँ। और फिर से अगेन हैप्पी दिवाली। पूजा पाठ और जो मैं दिवाली सेलिब्रेट करूँगी मैं पूरा व्लॉग शूट करूँगी, तो गाइस कीप वॉचिंग। ये मेरा छोटा सा पूजा रूम है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये भगवान जी, ये सारा उनका भोग, और ये बना हुआ है नीचे इधर फूल, और ये ऊपर हनुमान जी प्यारे से, नंदलाल, लड्डू गोपाल, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये गाइस ये मेरा पूजा घर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, अभी आरती करेंगे, आप भी देखिएगा। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं आरती करने के लिए, फिर आरती करने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। दीपावली तो हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, और अभी हम लोग आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे पटाखे वटाखे जलाने के लिए। आरती वगैरह कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने शाम में रंगोली बनाई थी, खैर इतनी खास तो नहीं बनी थी क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाया था, तो ठीक ठाक ही बना था। तो चलिए मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। यहाँ पे वो वाली लाइट नहीं होती मल्टी कलर वाली जो जलती रहती है, काफ़ी अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, मैंने बोला था ना रंगोली मैंने बनाई थी, तो दिवाली में तो और सब हर कोई रंगोली बनाता है, और रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद है, बट इस बार ना बहुत ही ज़्यादा बेकार बना है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बनाया था। फिर भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसा बनाया, एक मिनट। सो अभी मैं घर के बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे देखिए तुलसी का पेड़ दिख रहा होगा आपको, और जिस लाइटिंग की मैं बात कर रही थी देखिए कितना, मैं नीचे दिखाती हूँ, ये ऐसे करके होता है ना कलरफुल, कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये गणपति बप्पा जी की फ़ोटो है, जय गणपति बप्पा मोरिया।
मैंने गोली बनाई थी, इतनी खास तो नहीं बनी बट फिर भी मैंने काम चलाओ बनाया था, क्योंकि ये रंगोली मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया था तो ठीक ठाक ही बना। तो इनकी दिवाली अभी शुरू होगी, ये देखिए, से हेलो टू आर व्यूअर्स, है दिवाली विश कर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने पटाखे वटाखे जलाए नहीं है, अभी हम लोग जा रहे हैं। तो हमने ना मतलब इस दिवाली में कुछ खास तो नहीं बट एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि जल्दी में मैंने कहा चलो बना लेते हैं। नॉर्मली तो हम लोग तो ट्रैवलिंग का ही बनाते हैं सॉरी, बट इस बार सोचा कि चलो फेस्टिवल है और अभी मेरी शादी भी हुई थी और शादी के बाद फर्स्ट दिवाली है, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर करूं। तो अभी मैंने आपको रंगोली दिखाया जो कि पता नहीं कैसा बना है, इतना नॉर्मली हर साल मैं बनाती हूं बहुत अच्छा बनता है, इस बार मैंने जल्दी जल्दी में बनाया तो इतना खास बना नहीं, फिर कोई बात नहीं होता है अच्छा बुरा सब। तो अभी हम लोग जाएंगे छत पे पटाखे वटाखे जलाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। ये मेरे छत से व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। गाइस ये थी मेरी शादी के बाद पहली दिवाली। आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और खूब खूब सारा प्यार दो आप लोग, और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।